सबसे पहले हमें हमारे जज साहब बताएं। जी चलिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। इस शो के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको कि मैं लाफ्टर शेफ में एज अ जज प्ले कर रहा हूं, और मैं लोगों को यहां पे जितने स्टार्स हैं मेरे साथ, जो भी स्टार्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहा हूं, उनको सिखा भी रहा हूं, और हम एक एंगल इन सारे स्टार्स का, जिन्होंने कॉमेडी की है, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बड़े बड़े शोज़ में काम किया, उनका एक अलग एंगल दिखा रहे हैं, जो कि कुकिंग का एंगल है, कि वो कुकिंग कैसे करते हैं। और मेरा काम ये है कि बाय द एंड ऑफ द शो उनको लोग इस तरह से देखें कि हाँ भाई, इनमें खाना बनाने की भी कला है। हाँ, इनका दूसरा काम बंद हो जाए और फिर ये रेस्टोरेंट खोल लें। हम ही रेस्टोरेंट खोल, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ही रेस्टोरेंट खोल दें। यार हमें कुकिंग बेसिकली ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से रहती है, जब इंसान बनाता है। और आई डोंट थिंक सो कि हम में से कोई भी घर में कुकिंग, तुम तो अभी चुप ही रहो, तुम तो ये तो सिर्फ जीते हैं, ये अलग ही निकला। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि बेसिकली मुझे करना, कुकिंग करना पसंद है, मुझे थोड़ा टेस्ट का आइडिया है, बाकी सब हमें बताया जाता है। अभी मतलब कुछ ऐसी डिशेज है जो मैंने जिंदगी में कभी खाई भी नहीं है, तो बनाना तो दूर की बात है। जैसे लिट्टी चोखा, लेकिन सिखाई नहीं जाती, यानी कि ये ना समझ लेना कि पहले सिखाते हैं, मतलब बताया जाता है कि ये हमें फंसा देते हैं सबको खड़ा करके कि आज आपको मटीरियल तो सब मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ बनाना है। आप देखिए कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये किसी तरीके हमसे बनवाए। फॉरवर्ड में कभी कभी दिखा देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने एज अ शेफ देखा है कि बहुत कठिन टास्क इनको दिए जा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कुकिंग शोज़ में नहीं देखे मैंने, वो इनको दिए जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग निभा रहे हैं, बना रहे हैं, और मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब बोलने के लिए मुझे बिल्कुल नहीं मिले। एग्जैक्टली बताऊँ तो ये बहुत ही डिफरेंट, मतलब हमेशा ऐसा होता है, या तो लाफिंग वाला हंसी मजाक वाला शो होता है, कुकिंग का शो होता है, बट ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि मतलब एक्टर्स और हमारे साथ बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं यहाँ पर, एंड उनके साथ जो फन होता है कुकिंग करने में, एंड एक्चुअली बताऊँ जब कुकिंग स्टार्ट होती है तो वो सीरियस हो जाता है जी, सब बहुत सीरियसली घुस जाते हैं कुकिंग में। होता है, अपने बारे में बात नहीं सब होता है, वो सबसे पहले रेडी कर देती है, सबसे पहले रेडी करके आती है। नहीं नहीं सर, ये बात गलत है कि सीरियस, ये दोनों जो हैं सीरियस भी नहीं होते, मजाक फुल मस्ती होती है, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं, क्योंकि जो काम आता है वो चाहे बंदा शरारत करके करे तो वो अच्छे करेगा, चाहे हम कितना भी सीरियस हो जाएं उसमें, अगर आता नहीं तो खराब ही होगा, और ये हम पे बड़ी कृपा है। ये सबसे पहले यही खत्म करती है। अरे मिला है, इनको दो स्टार मिले हैं, एक लगाने वाला और एक लगाते नहीं है, मैं दूरी रहता हूँ, मैं भी स्टार हूँ। मेरे इस पूरे करियर में आई हैव हैड लॉट ऑफ गुड लुकिंग पार्टनर्स, वेरी हॉट पार्टनर, लेकिन सबसे हॉटेस्ट जोड़ी आज तक मेरी बनी है अगर किसी के साथ, वो है सुदेश जी के साथ। शुक्र है, मैंने कहा कि इधर इधर बोल देंगे। सो सुदेश जी इज माय पार्टनर एंड वी हैव वन स्टार। मैं बहुत खुश हूँ कि कृष्णा के साथ मेरी जोड़ी सबने देखी है, बहुत प्यार दिया है, वो आपको पता है हमेशा वो नकली लड़की बन के आता है, पहली बार असली मिली है मुझे, खुशी है। हाँ बहुत खुशी है, सबसे ज़्यादा खुश हमारे सेट पे सुरेश जी होते हैं, वो इतना खुश होते हैं कि वो कभी खुशी खुशी में मतलब भूल जाते हैं कि कुकिंग भी करनी है। मेरे लिए कुकिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, मेरे लिए जनरली बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ बना सकता हूँ, वो है चाय, उसमें बेस्ट है, और मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, इसलिए 4-5 महीने मेरे हाथ की चाय पी है। आई नो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, बट देखिए ये जो शो है, ये शो कौन सबसे बेहतर कुक है उसके बारे में नहीं है, एक जर्नी के बारे में है, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी दैट जो हमारे फैंस हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो प्यार करते हैं, वो हमें ये देख कर प्यार करेंगे, यार ये देखो वो फनी, इससे फन भी करेंगे थोड़ा सा। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट द जर्नी। गाइस अली एंड राहुल आर विनिंग द शो, आई एम टेलिंग यू टुडे। देखिए हम ये खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहते थे, एंड आई एम सो ग्लैड कि निया ने कह दिया है, बट क्या कहें, यू नो गॉड इज सो काइंड। यार निया की प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी होती है। नहीं, निया खुद की या तू डिश की? सॉरी निया की, क्या दोनों की निया की भी और निया की डिश की भी, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, दिल की बात निकल गई। लेके जाता है ब्रो, नहीं स्टार तो फिर टेस्ट मेरे वाले में थोड़ा अच्छा होता है, बाकी प्रेजेंटेशन। और इनका जो शो आ रहा है
चुड़ैल आ गया है, आज वो आ गया है। आप लोग ये ना सोचना कि ये है ही चुड़ैल, ये मतलब बहुत अच्छी है, ये हॉट चुड़ैल है, हॉट चुड़ैल, हॉट चुड़ैल, हां बिल्कुल मिर्ची वाली है। ये देखो ये मिर्ची वाली चुड़ैल। अच्छा आप जब शो देखेंगे एक चीज जरूर देखना कि पाजी किसी और को स्टार देना दे, जिस टेबल पे लड़की होती है खासकर निया और कश्मीरा वहाँ पे जाके इतना टाइम बिता रहे हैं। कश्मीरा के बहुत बड़े फैन हैं। नहीं नहीं सही कह रहे हैं। नहीं मैं अच्छा करता हूँ। नहीं सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। टाइम बिताते हैं, स्टार आपको देते हैं। स्टार बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप लोग अच्छे से खाना बना सको, इसलिए करता हूँ। नहीं करते जी। मैं चलूं फिर। देखिए देखिए ये मेरे ख्याल से एक जर्नी है, जैसे राहुल ने बताया इस बार इनको दो स्टार मिले हैं, कई बार किसी और को मिल रहे हैं, तो ये आगे चल के जैसे इवॉल्व होंगे और थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि इनमें एक बहुत बढ़िया शेफ कुक, बढ़िया खाना बनाने वाला दिखेगा। हो सकता है आगे चल के ये रेस्टोरेंट चेंज बना लें। सर ने ये चीज़ बोली है हमें, पहले दिन ही बोल दी थी सर ने कि जब शो एंड हो जाएगा और लास्ट एपिसोड होगा ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि आप कितने अच्छे शेफ बन गए। एंड आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ सीखने को मिल रही है ना, मतलब आज तक हमें पता ही था कि लड्डू कैसे बनता है, बूंदी का लड्डू कैसे बनता है, मतलब मुझे वो भी नहीं पता था कि बूंदी का लड्डू होता है उसकी बूंदी कैसे बनती है, वो सब हमने यहाँ पे सीखा। एंड इट्स सो डिफरेंट, बहुत अलग सी चीजें बन गई। की बात कोई मत सुनना, अरे यार ये मेरे नीचे पड़ गई है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये स्टार जो आप देख रहे हो इनको मिले हैं खाना अच्छे बनाने में, मेरे ख्याल में ये स्टार वगैरह कुछ नहीं होते, कभी इनको मिल गया तो कभी इनको मिल गया और कभी इन दोनों को मिल गया, इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी हमको भी मिलेगा। ये आपको भी मिला है? मिला मिला मिला, मिला। एक स्टार मिला, इनको भी मिला है। राजमा चावल। यार मेरा तो नॉन वेज है, वो मैं यहाँ बना नहीं सकता। दाल चावल बहुत चीजें, मतलब मटन रोगन जोश है। आप जो ये पूछ रहे हो ना क्या क्या बना दोगे, हम बोल नहीं सकते क्योंकि फिर इन्होंने बनवाना ही नहीं वो। इनको पता चल जाएगा कि ये इनको आता है। मैं अभी बता देता हूँ सबको, मेरा फेवरेट मिर्ची का हलवा है, वो कभी बनवाऊंगा आपसे। मिर्ची का हलवा वो कभी बनवाऊंगा आपसे। आप सीरियस अबाउट इट, हरी मिर्च का हलवा बनाएंगे? हरी मिर्च का हलवा हमें तो पता ही नहीं, मेरे रेस्टोरेंट में मिलता है जी। जी नहीं, इस वक्त तो जर्नी बिगिन हुई है, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक कुछ लोगों ने आउट परफॉर्म किया है। जैसे आज मैंने अली को और राहुल को देखा, आउट परफॉर्म किया है, और वैसे ही करण ने और अर्जुन ने भी आउट परफॉर्म किया है, बहुत ही मज़ेदार। इसके पहले लड्डू बने थे, मेरे ख्याल से अंकिता ने बहुत आउट परफॉर्म किया, विक्की ने भी बहुत आउट परफॉर्म किया, इन्होंने भी जलेबी बनाई है, आउट परफॉर्म किया। तो आउटस्टैंडिंग चीज़ें देखने को मिल रही है, और ये जैसे मैंने बताया पहले एपिसोड में कि आगे चलते चलते मुझे ये बहुत उभरते हुए कुक्स या शेफ्स या किचन में बहुत बढ़िया खिलाड़ी देखते हुए मिलेंगे। अली जिस दिन एब्सेंट होगा उस दिन किसी का चांस होगा। माँ खाली चावल भी हाथ लगाती है नमक के साथ तो उसमें भी टेस्ट आ जाता है। आई थिंक हम यही बोलेंगे कि ये शो बहुत ही डिफरेंट है, आज तक ऐसा कुछ आया नहीं, या तो कुकिंग शो होता है या तो लाफ्टर शो होता है, बट दिस इज समथिंग वेरी रेयर एंड वेरी डिफरेंट। वी आर लविंग इट, हमें शूट करने में बहुत मजा आ रहा है, एंड आई थिंक उतना ही मजा सबको देखने में। जी आई एम श्योर एक अलग एंगल दिखेगा, मतलब कुकिंग में मस्ती दिखेगी और सब लोग एंजॉय करेंगे। और जिस दिन से ये शुरू किया है वाकई घर की कदर होनी शुरू हो गई है कि बहुत ही मुश्किल काम है, हम फटाफट बोल देते हैं ये बनाओ जल्दी करो ये, अब पता चला कि हमें तो एक बार दो बार बनाना पड़ता है, वो सारा दिन हम उनको बोलते हैं ये बनाओ वो बनाओ, तो बहुत ही मुश्किल काम है। सबको ही मतलब इज्जत करनी चाहिए जो घर पे खाना बनाते हैं। थैंक यू।